अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एच डी कैटल की टीम की जानिब से और मेरी जानिब से आप सबको बहुत बहुत अस्सलामुअलैकुम। तो गाइज आप कैसे हैं? आप सब लोग उम्मीद है कि खैरियत से हैं, अल्लाह के करम में होंगे। तो बहुत अरसा हो गया था आप लोगों को एच डी कैटल की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही थी, तो सोचा कि आज जो है वो अपडेट कर दी जाए। कल एक हमने अपडेट की थी तो दुबई के अल कसीम फार्म की, तो उसके बाद हमने सोचा कि कुछ अपने फार्म की भी अपडेट कर दें, क्योंकि सीज़न तो हमारा बिल्कुल खामोशी से गुजरा, कोई हमने इस दफ़ा रौनक नहीं लगाई थी। लेकिन आप लोग फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के करम से इस साल जो है वो बहुत सारी नई नई चीज़ें प्लान की हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने हैं हमने। काफ़ी एक्साइटिंग ईयर रहेगा ये इंशाल्लाह। तो चलते हैं फिर, अभी तो आपको ज़रा हम अपना फार्म विज़िट करा दें, तो और उसमें कुछ हमने नई चीज़ें अपग्रेड करी हैं तो उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दें। आते हैं। सो जैसा कि आप लोगों को तो आप लोगों ने ये तो सब हमारा देखा वही था, एक गार्डन था हमारा, थोड़ा सा भी ड्राई हुआ हुआ है क्योंकि बारिश वगैरह हुई नहीं है, टेम्परेचर भी बहुत हाई चल रहा था, इसमें ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, लेकिन अब ये वापस हरा भरा हो रहा है, मौसम अच्छा हुआ है। ये सेटअप तो आप लोगों ने हमारा पहले देखा वही था, जो हमारा मिल्किंग सेटअप था वो अभी भी बरकरार है वैसे के वैसे ही, उसमें कुछ अपग्रेड्स हुई थी। और ये उसका सेकेंड पार्ट था जिधर जो न्यू बॉर्न्स वगैरह हुआ करते थे। अब जो अपग्रेड्स हुई हैं और एक नई चीज़ जो हमने ऐड करी है वो है हमारा ये नया सेटअप जो हमने ऐड करा है, ये है हमारा प्रोजेक्ट डबल ए रेंच के नाम से। बेसिकली ये है हमारे हमने जो ब्रीडिंग के हवाले से वर्किंग करी है इस लास्ट ईयर, तो ये उसका सेक्शन है। और आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, हाँ ब्रीडिंग के हवाले से कुछ सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए भी इन फ्यूचर आपको अपडेट्स मिलती जाएंगी। ये हमने जो है थोड़ा सा ब्रीडिंग का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो ये सारी गायें जो है वो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए हमने ली हैं, इनमें से कुछ के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ जो है वो नेक्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हो चुकी हैं। ये हमारे जो हैं कुछ नए फ्यूचर चैम्प्स हैं इंशाल्लाह, ये 24 और 25 के हैं। ये देखिए जनाब, ये हमारे कुछ नए दोस्त, ये फ्यूचर में सारे अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह, फ्यूचर चैंप्स एच डी कैटल और डबल ए रेंज के। ये देखिए ये आया हमारा दोस्त राजा, इसके वालिद मोहतरम को शायद आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, एक जो हमारा सिब्बी का बुल था ये उसकी ब्रीड है, ये भी उसी की ब्रीड है, ये दोनों जो है हमारे सिब्बी के बुल की ब्रीड, सिब्बी क्रॉस बुल था हमारा एक, उसकी ब्रीड्स हैं ये दोनों। फिर कुछ हमारे पास नए ब्रीड्स अलग हैं, उनके बारे में भी हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट करेंगे। अच्छा जी, एक ये था, इसके बाद जो है हमारा कुछ एक नया एडिशन जो हुआ है कुर्बानी का, नया शेड हमने ये बनाया है नाजरीन, ये कुर्बानी के जानवरों की जो है वो चारे की जगह बनाई हमने नई, जो हमने नया चीज़ें ऐड करी हैं। अब उसके साथ साथ हमने ये एक जो है कुर्बानी का नया शेड भी बनाया है, इसमें हमारे सारे कुर्बानी के जानवर होंगे इंशाल्लाह। अभी तो खैर इधर सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि जहाँ पे जो रौनक थी वो सब कुर्बान हो चुकी है। ये देखिए अब ये नया सेटअप है इंशाल्लाह अज़ीज़, अब कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पे भी रौनक दोबारा से लगने शुरू हो जाएगी, जो हमारे बुल्स वगैरह रेडी हो गए हमारे दूसरे सेटअप पे, उसको हम पंजाब से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को एक और ट्रिप करवाएंगे हम, जो हमारा पंजाब में सेटअप हमने स्टार्ट किया है उसकी भी एक ट्रिप कराएंगे। चाहिए देखिए, ये है हमारे मिस्टर कोडू, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, ये भी नेक्स्ट ईयर के लिए हैं। इनके पीछे जो खड़ी हुई हैं ये बहुत जल्द एक नन्ना मेहमान को लेकर आने वाली हैं इस दुनिया में। और ये हमारे फ्यूचर चैम, ये भी नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, अगर कोई चाहे तो ये पलाई के परचेस कर सकता है पलाई के लिए। और एक और हमारे नए नन्हे मेहमान, ये मैडम अभी बस कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया में आई हैं, ये हमारी नई चैम्पियन है। तो गाइस ये हमारा जो हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया था अपने फार्म को, ये वो हम आपको भी बताया। अच्छा एक और चीज़, एक और सरप्राइज़ है फैंस के लिए, कुछ जो हमारे फैंस हैं जो मुजम्मिल भाई के भी फैंस हैं तो, और उनसे बहुत मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उन सब के लिए गुड न्यूज़ भी है।
आप लोग जो जो हमारे फार्म पे आए हुए हैं, अब उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो मुजम्मिल भाई से भी मुलाकात कर सकेंगे। क्योंकि नाजरीन ये सामने देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। अच्छा जी, मेरे को थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। ये जो सामने वाइट कलर की दीवार नजर आ रही है, सामने आप लोगों को जो व्हाइट कलर की दीवार नजर आ रही है, इसके बराबर में जो है वो मुजम्मिल भाई ने अपना फार्म स्टार्ट किया है। तो फैंस के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि अब वो मुजम्मिल भाई से मिलने के लिए उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे पास आएंगे, यहाँ पे हमारे पास भी आ सकते हैं, और यहीं से हमारे बराबर में ही मुजम्मिल भाई हैं, उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे ये, और जो लोग आए हैं उन्होंने ये जगह भी देखी हुई है। तो गाइस ये थोड़ा सा जो है वो दोबारा से आने का ऐलान था हमारा। इंशाल्लाह अल अजीज़ आप वक्त पे से आपको नई अपडेट्स मिलती जाएंगी। जो हमने नई अपडेट्स करी हैं उसके हवाले से भी, कुछ जो हमारे नया सेटअप है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको वक्त पे से अपडेट मिलती जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी आज। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। हम लोग एच डी गेटल और की टीम को दुआओं में याद रखिएगा। लाख।